नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। एक तरफ राहुल गांधी अमेरिका जाने के बाद विवादों में घिर गए, तो वही दूसरी तरफ उन्होंने ऐसा काम किया कि आम जनता खुश हो उठी। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि राहुल गांधी ने आखिर ऐसा क्या काम कर दिया, तो चलिए आपको हम बता देते हैं। आपको याद होगा, रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान एक सैलून में दाढ़ी बनवाई थी। अब उसी नाई को राहुल गांधी ने तोहफा भेजा है। जी हाँ, राहुल गांधी ने रायबरेली के मिथुन नाई को सैलून में काम आने वाला सामान भेजा है, जिसके बाद रायबरेली की जनता जहाँ एक तरफ उनके काम से खुश है, वही लोग वाहवाही की बात कर रहे हैं कि एक बड़े नेता होने के बाद भी उन्होंने एक छोटे से नाई को याद रखा। देखिए ये रिपोर्ट। राहुल गांधी पिछले 2 सालों में कभी किसान बने तो कभी कुली, कभी ट्रक ड्राइवर बने तो कभी कारपेंटर। वो हर समुदाय से मिले, उनके बीच बैठे और उनकी समस्याओं को जाना। ऐसे में राहुल गांधी की छवि जन नेता के रूप में बनने लगी। एक बार फिर उन्होंने ऐसा ही कुछ काम किया है। अमेरिका में दिए गए बयानों के विवादों के बीच अब राहुल गांधी ने जनता को खुश करने का काम किया है। रायबरेली जिले के लालगंज में ब्रजेंद्र नगर मोहल्ला स्थित सैलून चलाने वाले मिथुन नाई को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से तोहफा भेजा गया है। इस तोहफे में राहुल ने मिथुन को सैलून का कुछ सामान भेजा है। सैलून से जुड़ा सामान पाकर मिथुन बेहद खुश हैं। बीते 13 मई को राहुल गांधी की बैंसवारा इंटर कॉलेज खेल मैदान में जनसभा हुई थी। वहीं से लौटते वक्त राहुल ने मिथुन की ही दुकान पर दाढ़ी बनवाई थी और बाल कटवाए थे। राहुल की तरफ से भेजे गए सामान में 2 हेयर कटिंग चेयर, 1 शैम्पूइंग चेयर, 1 इन्वर्टर की बैटरी शामिल है। बता देंगे, लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनावी सभा से लौटते समय लालगंज इलाके में एक सैलून पर रुके। इस दौरान राहुल गांधी ने नाई से दाढ़ी ट्रिम करवाई। राहुल का ऐसा करना चर्चा का विषय बना रहा, जबकि नाई भी इलाके में मशहूर हो गया। मई की उस घटना के बाद अब राहुल गांधी ने खास तोहफा भेजा है। सुल्तानपुर के मोची के बाद अब रायबरेली के नाई को भी राहुल गांधी की तरफ से गिफ्ट मिला है। आइए जानते हैं, राहुल गांधी से सामान पाने के बाद अपनी खुशी का इजहार करते हुए क्या कुछ कहा मिथुन नाई ने। अभी तो बैठे हुए नहीं, तब तक चले जाते घर पे, और हमारा धंधा भी बहुत अच्छा चलने लगा। राहुल सर जी की वजह से आज हमारा 3 गुना धंधा बढ़ गया है। अच्छा राहुल जी, जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो आप ही के यहाँ से हेयर कटिंग करवाने के बाद अगली जनसभाओं को गए हुए थे। जी, कितनी मन में खुशी थी? अरे सर जी, हमें बहुत खुशी थी, और हमने कभी भी सोचा भी नहीं था कि इतनी छोटी सी दुकान में सर जी आएंगे। आ गए थे वो, उसके बाद तो हमें सपना लगा था, लेकिन हकीकत था, और राहुल सर आए थे, हमें बहुत खुशी हुई थी, और आज तक वो ज़िंदगी भर हमारे वो खुशी जाएगी नहीं। उस दिन याद करेंगे, जिस तारीख को आए थे उस तारीख हमारे लिए समझ लें बहुत अच्छा दिन है। परिवार में कितने लोग हैं? हमारे 4 भाई हैं और 3 बहन हैं, और माता जी हैं और पिताजी हैं। कब से सैलून की दुकान चला रहे हैं? ये हम सैलून यहाँ लालगंज में 2021 में खोले थे, और 21 एंडिंग में वहाँ लालगंज बेटा चौराहा है, हनुमान मंदिर के बगल में खोले थे, और 21 एंडिंग में यहाँ ले आए थे। मिथुन को एक बड़ी खुशखबरी ये है कि इनका धंधा जब से राहुल जी हैं 3 गुना हो गया है। ठीक, दिन भर पैसा कमाते हैं और खर्चा भी करते हैं। इनकी दुकान देखा होगा, पहले 7 बजे बंद हो जाती है, अब आज देख लीजिए टाइम बहुत हो गया है, लेकिन दुकान चल भी रही है और लोग आ जा रहे हैं, तो इनका धंधा बढ़ा है। हमें तो खुशी होती है कि वो हमारे सांसद हैं और हम लोगों ने उनको वोट दिया, हमारी वोट की ताकत से वो संसद पहुंचे हैं। आपने देखा होगा इसी तरह उन्होंने भी सुल्तानपुर में भी लोगों की मदद की थी, लगातार मदद करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आम जनमाना, छोटे लोगों के बीच जाना, उनको प्रोत्साहित करना, ये बड़ा कदम है, और देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, नंबर 2 की हैसियत है, तो मैसेज बड़ा है, समझने वाले लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। हम सबकी शुभकामनाएं राहुल जी के साथ। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। देखा जाए तो राहुल गांधी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो जननेता की छवि बनाए रखें। हालांकि इन दिनों अमेरिका जाने के बाद से ही वो विवादों में घिरे हुए हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि देश की बदनामी राहुल गांधी विदेश में कराते हैं, लेकिन इसी बीच देश की आम जनता के दिल में राहुल गांधी जगह बनाने में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।